इसराइल और हमास के बीच युद्ध कब तक चलेगा इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन इस युद्ध में जान गंवाने वालों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसराइल हमास युद्ध के बीच 13 अक्टूबर को एक रॉयटर्स समाचार के वीडियोग्राफर की जान चली गई। रॉयटर्स के जिस पत्रकार की जान गई उसकी पहचान इस्साम अब्दुल्ला के रूप में की गई है। इस्साम अब्दुल्ला दक्षिणी लेबनान में काम करने वाले रॉयटर्स क्रू का हिस्सा थे। रॉयटर्स के अनुसार अब्दुल्ला लेबनानी इसराइल सीमा के पास एक लाइव वीडियो सिग्नल प्रदान कर रहे थे। वहीं इन दिनों इसराइल वासियों की रातों की नींद उड़ गई है। ये तस्वीरें इसराइल के तेल अबीब की है, जहां लोग धमाकों और रॉकेटों की बौछारों से दहशत में आ गए हैं और एक सुरक्षित जगह पर जाने के लिए सड़क पर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें भयावह हैं। बता दें कि 8वें दिन भी इसराइल और हमास में युद्ध जारी है।